बात करेंगे अगली खबर की। बुंदेलखंड में सूखे की मार से कराह रहे लोग मौत को गले लगाने से नहीं हिचक रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक और किसान को मौत का रास्ता आसान लगा और हमीरपुर में तंगहाली से परेशान होकर देवकी नंदन नाम के किसान ने मौत को गले लगा लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक देवकी नंदन के पास जमीन नहीं थी, वो बटाई पर जमीन लेकर खेती करता था। सूखे की वजह से खेती खराब हो गई और इसके बाद उसने गुजारे के लिए ड्राइवर की नौकरी भी की, लेकिन उसके हालात जब फिर भी ठहर नहीं सके तो उसने अपनी जान दे दी। और ऐसे में बुंदेलखंड में सूखे से पनपी बदहाली और भुखमरी को दूर करने के प्रयास में एक बार फिर नाकाफी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर के बिदोखर गांव की हैं, जहां बदहाली और आर्थिक तंगी ने एक और जान ले ली। तंगहाली से परेशान होकर देवकी नंदन ने मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि देवकी नंदन के पास जमीन नहीं थी, उसने बटाई पर जमीन लेकर फसल बोई थी, लेकिन सूखे की वजह से खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ। पेट पालने के लिए उसने ड्राइवर की नौकरी भी की, लेकिन जब इससे भी काम न चला तो उसने मौत चुनी। कोई वजह नहीं, हमें मान नहीं, कभी कोई चर्चा नहीं करता था, आते थे तो 10 मिनट भी पास में नहीं बैठता था। खेत तेत कुछ है नहीं, मान लीजिए आर्थिक स्थिति तो स्टार्टिंग से शुरू से खराब रही, सब लोगों को मालूम है। तो पैसे के चलते मान लीजिए अभी बटाई का खेत लिया गया था इन साल, उसमें कुछ फसल ठीक ठाक ना हुई और उस कारण से ऐसा। तंगहाली से टूटे देवकी नंदन का संघर्ष मौत के बाद भी कम नहीं हुआ। पुलिस को सूचना देने के बाद भी उसका शव कई घंटे कमरे में लटकता रहा। बटाई बटाई लेके काम चलाते थे, उसमें कुछ हुआ नहीं, इसी वजह से इसने आत्महत्या कर लिया, और कोई ऐसा कारण ना सामने आता नहीं। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें किसी ने तंगहाली से परेशान होकर मौत का रास्ता चुना हो। देवकी नंदन की मौत सरकार के उन दावों की पोल एक बार फिर खोलती है, जिनमें बुंदेलखंड में भुखमरी और तंगहाली से मौत होने को सिरे से ही नकार दिया जाता है। रविंद्र कुमार निगम, इंडिया 24/7, हमीरपुर।